क्यों जिद कर रही हो? अच्छी खासी जिंदगी गुजर रही है हमारी। कह रहा हूं ना, सब ठीक कर दूंगा, यकीन करो मेरे। बस बस अद्रिस, मुझे तुम्हारे झूठ और झूठे वादों पे कोई यकीन नहीं है। अब मुझे माशे में हमारे रिश्ते की इज्जत चाहिए। अरे तो ऐलान कर तो दिया, बस करो अब तो जाओ। क्यों जाऊं मैं यहाँ से? नहीं जाऊंगी मैं यहाँ से। बीवी हूँ मैं तुम्हारी और मुझे बीवी होने का हक चाहिए। बीवी चुपचाप जिंदगी गुजारती हो वरना एड़ियां रगड़नी पड़ेंगी। साबित नहीं कर सकोगी कि हमारी शादी हुई है। मुझे तुम्हारे तौर तरीकों पे पहले से ही शक था, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, काम की मसरूफियत की वजह से टाइम नहीं निकाल पा रहे हो। लेकिन जब तुमने हमारे बेटे को इग्नोर किया ना, तब जाके मुझे यकीन हुआ कि जरूर कोई गड़बड़ है। इसी दिन के लिए हमारा निकाहनामा मैंने पहले से निकलवा लिया था। देखो तुम बात को समझ नहीं रही हो। वो उरूज की बातों में आ गई, वो इस्तेमाल कर रही है तुम्हें ताकि सारी दौलत हासिल कर सके। तुम नहीं चाहती हो कि मैं, तुम और हमारा बच्चा खुशहाल जिंदगी गुजारे? चाहती हो कि नहीं? चाहती हो ना? औरत कितनी कमजोर होती है। और खास तौर पे वो औरत जो किसी की दूसरी बीवी हो, वो हमेशा दूसरे दर्जे पर ही रहती है। उसके बच्चों को भी कभी पहला दर्जा नहीं मिलता। फिर वो अपने नाजुक रिश्ते और घर को बचाने के लिए मसलतों का सहारा लेती है। सकीना, बात सुनो मेरी।